मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा ग़ुलामी के जुए में ना जुतो। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम खतना करवाओगे तो मसीह से तुमको कुछ फ़ायदा ना होगा, बल्कि मैं हर एक खतना करवाने वाले शख्स पर फिर गवाही देता हूँ कि उसे तमाम शरीयत पर अमल करना फ़र्ज है। तुम जो शरीयत के वसीला से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम, क्योंकि हम रूह के बाइस ईमान से रास्तबाजी की उम्मीद भर आने के मुंतजिर हैं। और मसीह यसू में ना तो खतना कुछ काम का है ना मखतूनी, मगर ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया? ये तरगीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है? थोड़ा सा खमीर सारे गुंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। मुझे खुदावंद में तुम पर ये भरोसा है कि तुम और तरह का ख्याल ना करोगे, लेकिन जो तुम्हें घबरा देता है वो खवा कोई हो सजा पाएगा। और ऐ भाइयों, मैं अगर अब तक खतना की मनादी करता हूँ तो अब तक सताया क्यों जाता हूँ? इस सूरत में सलीब की ठोकर तो जाती रही, काश के तुम्हारे बेकरार करने वाले अपना ताल्लुक कता कर लेते। ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपनी पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़ते खाते हो तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो तुम जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग्ज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानित। इनकी बाबत तुम्हें पहले से ही कह देता हूँ कि जैसा पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं, और जो मसीह यसू के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं ना एक दूसरे से जलें।